गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे एक्सेल की थ्योरी, ठीक है। थ्योरी क्लास लगाएंगे हम एक्सेल की आज, ओके। तो एक्सेल में, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल होता क्या है, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल हम जानेंगे क्या एक्सेल होता क्या है, ठीक है, किस चीज के लिए काम आते हैं और क्या क्या चीज होती है इसके अंदर एक्सेल। तो फर्स्ट, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज ए ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज, समराइज एंड कैलकुलेट डाटा। तो एक्सेल में एक शीट है, जैसे वर्ड में होते थे पेजेस, एक्सेल में होंगे हमारे पास शीट्स। तो शीट्स में रो एंड कॉलम्स होते हैं शीट्स में, जिससे हम अपना डाटा मैनेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं डाटा को। स्प्रेडशीट्स आर एन एवरीडे पार्ट ऑफ मैनी प्रोफेशंस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, स्टैटिकल एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों के लिए ये चीज काम आती है, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, इस चीज के लिए भी डाटा मैनेज करके रखती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, स्टैटिकल के लिए, ठीक है, हर एक चीज का डाटा वो यहाँ से हम रख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास इजी हो जाता है, ठीक है, जिससे हम अगला अपना एक्शन उठा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक तरह से कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इस चीज में ये चीजें हमारे पास, एक्सेल में हम पूरा डाटा बना लेते हैं, ओके। तो हेल्प करता है इन सब चीजों में। यू कैन यूज एक्सेल टू क्रिएट बिजनेस फॉर्म सच एज इनवॉइसेस एंड परचेज ऑर्डर्स अमंग मैनी अदर यूजफुल थिंग्स। बिजनेस में भी ये काम आता है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग रेट्स वगैरह भी लिखते होते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। अलग से जैसे कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है ना, अब एक कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बना रही, कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है ना, कंपनी का नेम सेम रहेगा पर अलग अलग प्रोडक्ट बना रही, ठीक है, उनके रेट्स वगैरह रख सकते हैं, ओके। बस मैनेजमेंट का काम है, एक एक्सेल में डाटा जो होता है डाटा को मैनेज करके रखता है एक तरह प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आते हैं देखेंगे, ये इतना खास नहीं, यहाँ से देखते हैं हम टाइटल बार वगैरह, मैंने बताया था आपको पहले भी, दिस इज द टाइटल बार, इट गिव्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द टाइटल ऑफ द वर्कबुक यू आर यूजिंग, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये टाइटल बार होता है जिसमें आपका बुक के नाम से होता है, वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट वन के नाम से, इसमें होगा एक्सेल में होगा बुक वन के नाम से, ओके। तो क्विक सर्च टूल बार वही चीज जो मैंने बताई थी आपको, क्विक सर्च टूल बार वगैरह, ओके। अंडर द टाइटल बार इज द रिबन, टाइटल बार के नीचे ये रिबन्स आ गए फिर, ओके। द रिबन हैज एट टैब्स दैट गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सॉफ्टवेयर, कौन से टैब्स आए, ये रहे हमारे पास टैब्स, ओके, ये टैब्स हमारे पास, ठीक है, एक फॉर्मेट का भी एक वो खुलता है, एक टैब खुलता है जब हम कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करते हैं ना, उस पर क्लिक करते हैं तब डिजाइनिंग एक खुलता है। उसके बाद देखेंगे द रिबन टैब बिगन विद फाइल एंड कंटिन्यू विद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू एंड व्यू टैब, ये टैब्स हैं, ओके। फाइल टैब के साथ शुरू होता है, ये हमारा फाइल टैब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो विंडो कंट्रोलर का भी होता है, ठीक है, इन सब टैब्स के बाद विंडो कंट्रोलर भी मैंने बताया था, ठीक है। विंडो कंट्रोलर का आपको पता ही है, हेल्प का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है,
उसके बाद मिनिमाइज रिस्टोर डाउन और क्लोज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स। वर्कबुक क्या होती है? एक पूरी विंडो, ठीक है, एक्सेल की एक पूरी विंडो, एक खोल दिया हमने एक्सेल की फाइल खोल दिया जैसे, ठीक है ना, वो हमारी विंडो हो जाती है। पर जो वर्कशीट्स होती है वो होती है उसमें नीचे अंदर ही, उस विंडो के अंदर ही होती है शीट्स, जो डिफॉल्ट में रहती है, शीट्स वन, शीट टू, शीट थ्री, ठीक है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल। ओके, आगे मैं आपको पहले शो करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक्सेल खोल के आपको शो करता हूँ कहाँ पे होती है, जिनको नहीं पता होगा उनको पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखोगे आप, ये होती हमारी शीट, ये जो है शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, ये हमारी शीट। ओके, इनको बोलते हैं वर्कशीट, और ये जो पूरी विंडो है इसको बोलते हैं हम वर्क, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ, व्हेन एक्सेल इज ओपन ए वर्कबुक अपीयर्स विद थ्री वर्कशीट, थ्री वर्कशीट के साथ होती है वर्कबुक बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। ईच वर्कशीट कंटेन्स कॉलम्स एंड रोज, देयर आर 1,48,000 ना 10,48,575 rows and 16,384 columns. इतनी rows और इतने columns होते हैं एक sheet में, ठीक है। The combination of a column coordinate and a row coordinate make up a cell address, ठीक है ना, जो combine होते हैं तो एक cell address बन जाते हैं ना। For example, the cell located in the upper left corner of the worksheet is cell A1, cell A1 meaning column A and row 1. कैसे बताता हूँ आपको, जैसे कि है अब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो रखा है, ये देखो ये कॉलम होती है हमारे, ठीक है, ये ए बी सी कॉलम हमारी, और ये 1, 2, 3, 4 ये रोज है हमारी, तो ए ए वन, बी वन, ए टू, बी टू, ठीक है, तो मिलकर ये सेल रेफरेंस बनता है। उसके बाद आएंगे द सेल एड्रेस इज विजिबल इन द नेम बॉक्स, वो मैंने आपको बता दिया वहां पे नेम शो हो रहा था। ओके, तुम्हारे वर्कशीट होती है वर्कबुक और वर्कशीट, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। ओके, मेन वन पॉइंट जो है वो याद रखना। प्लेस योर कर्सर इन द फर्स्ट सेल A1, द फॉर्मूला बार विल डिस्प्ले द सेल एड्रेस इन द नेम बुक। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ फॉर्मूला बार, ऑन द लेफ्ट साइड में ही है फॉर्मूला बार के, ये फॉर्मूला बार होता हमारा, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड ही नेम बुक। ओके, उसके बाद बाकी कुछ नहीं है, वर्कबुक्स और वर्कशीट्स में यही डिफरेंस है, आपको यही पता रखना चाहिए कि जो पूरी विंडो होती है हमारी एक्सेल की उसको हम पूरी वर्कबुक बोलेंगे, जैसे कि फाइल होती है, ठीक है, और जो फाइल के अंदर जो शीट्स होते हैं वो हमारी वर्कशीट्स कहलाई जाती है। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, न्यू वर्कबुक बनाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं इसके, ठीक है, वो चीज बताई देखिए इसमें। इट इज इजी टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, सिंपली क्लिक ऑन फाइल, न्यू पे जाना आपको एंड क्लिक ऑन ब्लैक वर्कबुक टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। कैसे, यहाँ पे मैं जाके ऑप्शन बताता हूँ आपके पास, एक्सेल फाइल ऑप्शन में जाना था हमें, फाइल ऑप्शन में गए हम, ठीक है, फाइल ऑप्शन है, उसके बाद हमें जाना था न्यू पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे मिल चुका हमारे पास आगे ऑप्शन ब्लैंक वर्कबुक, इस पे आप क्लिक करोगे तो अलग से आपके पास एक न्यू वर्कबुक खुल जाएगी,
ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप दो खुल चुके हैं, बुक वन और बुक टू। ओके, यहाँ से क्रिएट होते हैं न्यू वर्क। क्रिएटिंग ए न्यू वर्कशीट, ये सिंपल चीज है। क्रिएटिंग ए न्यू वर्कशीट इज जस्ट एज इजी बाय डिफॉल्ट। ईच एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स थ्री वर्कशीट, थ्री टाइप्स डिस्प्लेइंग, शीट वन, शीट टू एंड शीट थ्री विल बी डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक टू इंडिकेट द सेपरेट शीट्स। To add a new worksheet, simply click on the tab after the tab that says sheet 3. तो बता रहा by default इसमें sheets होती हैं Excel की workbook में, हर workbook में by default तीन sheets होते हैं। इन ये नाम होते हैं sheet 1, sheet 2 और sheet 3। अब हमें sheet 4 भी चाहिए, उसके लिए ये बोल रहे हैं हमारे पास कि जो sheet 3 होती है उसके बाद जो icon है उस पर आप क्लिक करोगे। ये जो क्लिक है इस पे मैंने क्लिक किया तो शीट 4 आ चुकी है, देखोगे यहाँ पे। इस पे गया शीट 5 आ चुकी है, शीट 6, जितने मर्जी आप खोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे डिलीट। ओके, ये ऑप्शन थे हमारे वर्कबुक और वर्क शीट क्रिएट करने के लिए। रीनेम आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको रीनेम वगैरह बता सकते हैं। टू चेंज द लोकेशन ऑफ न्यूली एडेड वर्कशीट क्लिक ऑन द टैब एंड होल्ड लेफ्ट बटन माउस। लोकेशन चेंज करनी है वो चीज बता देता हूँ, और रीनेम कब बोल रहा हूँ अगले शीट में। रीनेम यहाँ पे आप देख सकते हो रीनेम कैसे करना है। अभी तो देखते यहाँ पे शीट 1, शीट 2 यही है, लोकेशन भी चेंज करनी है। जैसे मेरे को शीट 4 जो है शीट 3 से पहले चाहिए, शीट 2 से पहले चाहिए, हम कैसे करते हैं, क्या करना है आपको, क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, उसके बाद उठा के कहीं मर्जी आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, रीनेम करना है तो राइट क्लिक करोगे आप, राइट क्लिक के बाद रीनेम को ऑप्शन आता है यहाँ पे, कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, ठीक है। ओके, ये लिख देते हैं अपना नाम याद है। ओके, ये हमारी थी वर्कबुक और वर्कशीट कैसे करते हैं, ठीक है। व्यूज भी हैं इसमें, व्यूज तो आपको साइड में मिल जाएगा, वो ही ऑप्शन वर्ड के तरह होता है जिसमें वर्ड होगा। देखो इसे यहाँ पे ये व्यूज होते हैं। ओके, जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद आता है नेविगेशन एंड सिलेक्टिंग, नेविगेशन एंड सिलेक्टिंग। इसमें क्या है देखेंगे आप, मूविंग अराउंड ए वर्कशीट इज इजी, ठीक है। नेविगेशन होता है लोकेशन, ठीक है, नेविगेट करते हैं। यू कैन इजीली मूव फ्रॉम सेल टू सेल बाय यूजिंग द एरो कीज और प्रेसिंग टैब, बाय यूजिंग द एरो कीज और प्रेसिंग टैब, ठीक है। करके देखता हूं इस चीज को प्रैक्टिकली। सिंपली आप टैब से आप हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, नाम लिख देता हूँ अपने, और मैंने टैब दबाता हूँ तो अगले सेल पे जाएगा, ठीक है ना। या तो इससे कर सकते हैं या कर्सर से, एरो से, या हम हो चुका है हमारा। ओके, तो अगली चीज देखते हैं क्या आप तरीके है। यू कैन ऑल्सो यूज योर माउस क्लिक, ऑल्सो यूज योर माउस क्लिक। माउस क्लिक का मैंने बताया था एरो कीज का रह चुका, एरो कीज का बता देता हूँ। एरो कीज से भी हो जाता है, जो हमारे कीबोर्ड में कीज भी होते हैं, एरो की, ठीक है ना, तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन की की भी होती है, उससे भी हम इसको मूव कर सकते हैं कर्सर को एक्सेल। ओके, आगे देखें क्या लिख रखा है। समटाइम्स You will want to select a range of cell. Range of cell. मतलब तीन चार पांच छह जितने में ये रेंज कहला देते हैं, ठीक है ना। सिलेक्ट करना है सिंपल चीज, आपको क्या करना है क्लिक और ट्रैक करना है आपको, जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद आपको बताया अरेंज इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर सेल्स, मैंने बताया था दो से तीन सेल उनको रेंज ही बोलते हैं ओके। इफ यू सिलेक्ट मोर देन वन सेल एट ए टाइम यू कैन देन परफॉर्म एक्शन ऑन द ग्रुप ऑफ देम एट वंस। ये कह रहा है कि जो आपने सिलेक्ट करे चीजें तीन चार सेल आपने सिलेक्ट कर लिया एक साथ, तो आप कोई भी फॉर्मेटिंग करोगे तो उन सभी पे एक ही टाइम पे अप्लाई होगी जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसी वक्त ओके। सच एज अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फॉर क्लियरिंग द कंटेंट रेंज कैन इवन बी एन एंटायर वर्कशीट, एक पूरी वर्कशीट भी हो सकती है फॉर्मेटिंग का, तो मैंने बताया दिया फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जितनी भी आप सिलेक्ट करोगे एक साथ सही हो जाएगा जितनी भी एरिया आपने सिलेक्ट कर दो, पर पूरी एंटायर वर्कशीट पे कैसे फॉर्मेटिंग। एंटायर वर्कशीट के लिए ये देखोगे आप कॉलम एंड रो से पहले एक ब्लॉक पड़ा हुआ ठीक है, इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो पूरी एंटायर शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी पूरी पूरी ओके। आइए जैसे राहुल का लिए समझा नहीं है सिलेक्टेड नहीं, ये भी सिलेक्टेड ही है कैसे, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ ये फर्स्ट देखो तो फर्स्ट में से ऐसे ही रहेगा बाकी सब ब्लू में सिलेक्टेड नजर आएगा ओके। यही है नेविगेशन और सिलेक्ट करें बहुत इजी है विद माउस कर सकते हैं ठीक है ना, ड्रैग करने के साथ सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो हम सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है सब चीजों में ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं कैसे प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। तो सिलेक्ट एंटायर कॉलम और एंटायर रो को बता देता हूँ कैसे करते हैं, दो चीजें दे रखी है सिंपली बता देता हूँ मैं आपको, टू सिलेक्ट एंटायर रो और टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम। यहाँ से जाएंगे आप बस ऊपर, या तो ये जो ब्लॉक है ये कॉलम्स क्या है जो ए बी सी डी वगैरह होते हैं इनको कॉलम्स के बोलते हैं ठीक है, तो इस पर क्लिक करना जो भी आपको कॉलम सिलेक्ट करना है वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी देख सकते हो पूरी ओके। आपको रो करनी है रो भी हो जाएगी सिंपल, रो में क्या करना है यहीं से सिलेक्ट करना है, कोई फोन नंबर की रो सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करनी है तो पूरी पूरी हो जाएगी। ये तरीके एंटायर कॉलम और एंटायर रो को सिलेक्ट करने के ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस बता रखे हैं शिफ्ट के साथ बता रखे हैं ओके, शिफ्ट के साथ कंट्रोल ए के साथ तो पूरा जो हमें डाटा लिखा होता है पूरी एंटायर शीट वो सिलेक्ट हो जाएगी, ऐसा मैं करके दिखाता हूँ यहाँ से ठीक है, कंट्रोल ए किया मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है ओके एंटायर शीट। शिफ्ट के साथ कैसे ट्रैक करते हैं देखो, मैंने कर्सर वहां रखा हुआ अपना ओके, शिफ्ट प्रेस करके रखना आपको और एरो से आप वो एरिया तक ले जहां तक आपने सिलेक्ट करना है एरो से ठीक है, देख सकते हो मेरा कर्सर वही है माउस से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एरो से कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ करना है पर आपको ओके, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्टिंग का बता रहा है आपको सिलेक्ट कैसे करते हैं जिस सेल में आप कुछ भी लिखना चाहते हो या एडिटिंग करना चाहते हो कुछ भी टाइप देने वाला कुछ भी आप टाइप कर सकते हो ठीक है, tab to the next cell and type means move the cursor back to the cell one, change Jane to Joy, simple change बताइए इसमें ठीक है ना, यहाँ पे example के तौर पर बता रखे ना exercise के तौर पर ओके, जैसे कि मैं देखता हूँ राहुल लिखता मैंने यहाँ से टैब से अगले उसमें बता देता हूँ स्वागत लिखते हैं, मैं चेंज कर सकता हूँ बस सिंपल क्या आपको वहाँ पे कर्सर रखना आपको जिस सेल में आपको चेंज करना ओके, आप लिख देता हूँ ओके सिंपल चीज है, एंटरिंग का आपको पता लगेगा बस सिलेक्ट करना तो एंटर हो जाएगा उसमें, एडिटिंग के टेक्स्ट की एडिटिंग क्या बताया उसमें ठीक है।
टेक्स्ट एडिटिंग हो जाती है वहीं पे, वो सिलेक्ट करोगे उसको, लिखोगे जो भी, वो अपना फॉर्मेट हो जाएगा। हाँ एक चीज और, जैसे आपको स्पेलिंग मिस्टेक है जैसे, ठीक है यहाँ से ए हटा दिया मैंने, अब आपको ये ऐसे करोगे यहाँ से, तो जो भी मैं सिलेक्ट करके लिखना शुरू करूंगा तो पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। तो आपको बीच में ए इंसर्ट करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद एरो से आप उस एरिया पे चल जाओ, वहां पे आपको इंसर्ट करना है, फिर आप इंसर्ट कर सकते हो। सिंगल से तो रिमूव हो जाएगा, जैसे सिंगल क्लिक करके मैं कुछ और लिखता हूँ तो पूरा रिमूव हो चुका है। ओके आपके पास इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज, इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज। अभी इंसर्ट करने, कैसे इंसर्ट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको बाद में आप पढ़ लेना, ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे रखना है जैसे हमको, ठीक है राइट क्लिक करता हूँ मैं, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट पे जाता हूँ। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, शिफ्ट सेल राइट, मतलब राइट की तरफ सेल शिफ्ट होगा, मतलब एक कॉलम का सेल इंसर्ट हो जाएगा। शिफ्ट सेल डाउन, डाउन हुआ तो मतलब रो का एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, या फिर एंटायर रो डालनी है या एंटायर कॉलम। एंटायर रो करूंगा अगर जो, तो जो राहुल है, तो राहुल लिखो, जो सेल मैंने सेलेक्ट किया उस सेल के ऊपर एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो वो नीचे शिफ्ट हो चुका है, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था राहुल जहाँ पे लिखा हुआ वो नीचे शिफ्ट हो चुका है और उसके ऊपर न्यू रो खुल चुकी है। ओके ऐसे ही कॉलम डालते हैं, इंसर्ट एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम में क्या होगा, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा कर्सर है, जो ए कॉलम हमारा वो हट के हमारा बी बन जाएगा, मतलब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड की तरफ। ओके तो लेफ्ट साइड में एक न्यू कॉलम खुल जाएगा, देखो देख सकते हो आप यहाँ, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी है एंटायर रो इंसर्टिंग रो और इंसर्टिंग कॉलम। ठीक है फॉर्मेटिंग, हमारी कॉलम्स एंड रोज की फॉर्मेटिंग बता देता हूँ, आखिरी चीज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से चलते हैं और उस एरिया में, ठीक है ये जो है हमारे पास ये लाइनिंग्स लाइन है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे कर्सर का सिंबल जो है वो चेंज हो चुका है, ये लाइन। यहाँ से हम कॉलम के विड्थ बढ़ा सकते हैं, करना आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ड्रैग करो माउस को, जितने बड़े भी आप, आपको कॉलम लेना है, यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो देख सकते हो ये कॉलम के हो चुकी है, और यहीं से रो की कर सकते हो, ऐसे ही आप रो की कर सकते हो। अलग से एक ऑप्शन भी होता है इस चीज का, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये कर दिया मैंने, राउंड सिलेक्ट किया मैंने, ओके ठीक है ये राउंड सिलेक्ट किया मैंने। होम टाइम में फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, इसमें दे रखा रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ तो विड्थ बढ़ चुकी है, ये ऑप्शन है, ऐसे ही रो हाइट का भी ऑप्शन है उसमें, ठीक है। देखो ये बता रखा है उसमें कि ये सिंपल होता है, उसमें ऐसे ऐसे करना होता है। ओके कॉलम विड्थ ट्रैक के साथ हो गया, ठीक है रो हाइट भी ऐसी ही हो जाती है। चलो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अभी बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। ओके ठीक है।